अस्सलाम वालेकुम। ये एक और चटनी जो है उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम जो इमली है वो भिगो दिया है, आलू बुखारा 100 ग्राम है इसको मैंने भिगो दिया है, और तकरीबन 100 या ग्राम से थोड़ा ऊपर जाएगा गुड़ या शक्कर। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम भीगने देंगे और उसके बाद का जो जब ये प्रोसीजर मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगोया था, पानी अब ठंडा हो गया और जो इमली है वो काफ़ी भीग चुकी है। वो ग्लास मैंने पहन लिए और आप इसको अच्छे से इसका जो पल्प है वो निकाल लें। गुठलियाँ फिर हम इस तरह से, मैंने ये स्टेनर जो है वो रखा है, नीचे बोल रखा है, इसमें मैं ये सारा पल्प जो है इसका जूस जो है वो निकाल लूँगी और इसके बाद इसका जो पकाने का प्रोसीजर होगा वो होगा। इमली जो है इसका पल्प मैंने ये जूस निकाल लिया। ये जो आलू बुखारे मैंने भिगोए थे और इमली का पानी जो मैंने निकाला ये 250 ग्राम इमली का रस है और इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। इमली जो आलू बुखारे हैं वो मैंने डाल दिए हैं, इनकी गुठलियाँ हम बाद में निकालेंगे ताकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है इमली से, तो इसको ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम इसको पका लेंगे। ये चटनी भी थिक होगी, ये दही वाली जितने भी आइटम होते हैं आपके दही बड़े और दही फुल्कियाँ उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। बाकी आपको जो हाँ ये जिस चीज़ के साथ इसका टेस्ट अच्छा लगे आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। इसमें मैं ये गुड़ डाल रही हूँ, इसमें गुड़ भी ज़्यादा जाएगा या खजूर आप डालते हैं तो उसकी क्वान्टिटी भी इसमें ज़्यादा होगी। बाकी ये जो स्पाइसेस हैं ऑलमोस्ट वो वैसे ही होंगे जो इमली की चटनी में मैंने आपको बताया, वो रनी है काफ़ी ज़्यादा लेकिन ये जो है ये थिक होगी जो आप ऊपर दही बड़े के जैसे आप उसको डेकोरेट भी करते हैं तो डालते हैं। तो ये इसमें मैंने ज़ीरा डाला है एक चम्मच और इसमें मैं ये चिली पाउडर डाल चिली फ्लेक्स डालूँगी, ये मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, और ब्लैक सॉल्ट में डाल रही हूँ ये भी 2 टीस्पून में डालूंगी। लेकिन ये जो है इसमें और कोई सॉल्ट भी नहीं जा रहा और इसके अलावा जो जिंजर पाउडर वगैरह है वो मैं इसमें नहीं डाल रही। चटनी हमारी तैयार है आलू बुखारे की और इमली की। इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून विनेगर मैंने डाला है और बस ये रेडी है। इसको चूल्हे को बंद करेंगे, ये काफ़ी थिक है और अब थोड़ी सी और थिक होगी ठंडा होने के बाद। बस इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और जार में डालेंगे। जार में डालने से पहले जो इसकी गुठलियाँ हैं वो रिमूव कर लें आलू बुखारे की जो है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।